आपने भी अपने घर में ये सेटअप जरूर देखा होगा। आप बटन दबाते हैं और उधर बल्ब जल उठता है। क्या कभी सोचा है दीवार के पीछे ऐसा क्या होता है जिससे बल्ब जल उठता है? हमने अपने घर में बड़ों से या स्कूल में टीचर से सुना होगा कि बल्ब विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के आने और जाने से जलता और बुझता है। ये विद्युत धारा क्या होती है, कहाँ से बनती है और बल्ब को कैसे जला देती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। आपने गाड़ी को चलते हुए देखा होगा, कोई गाड़ी तेज चलती है और कोई धीमी। हम आमतौर पर बोलते भी हैं कि गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? मतलब गाड़ी एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो समय के साथ किसी भी चीज की तुलना करते हैं तो वह उस चीज का रेट या दर कहलाता है। गाड़ी की स्पीड की ही तरह नदी में पानी के बहाव को भी हम इसी प्रकार दर्शाते हैं और बोलते हैं वाटर करंट या पानी की धारा तेज है कि धीमी। इसी तरह हवा के बहाव को भी एयर करंट बोला जाता है। तो ये कहना उचित होगा कि धारा या करंट एक भौतिक मात्रा है जो कि समय के साथ विभिन्न वस्तुओं का संबंध बताती है। यदि धारा हर बहती चीज का हो तो उस धारा को क्या कहेंगे जो बटन दबाने पर बल्ब को उज्जवल करता है? उसे हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि Q विद्युत आवेश T समय में एक विशेष क्षेत्र से गुजरता है तो Q और T का अनुपात विद्युत धारा को दर्शाता है, जिसे हम विज्ञान में I से दर्शाते हैं। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है, जिसका चिन्ह A होता है। ये विद्युत आवेश धातु के तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। आवेश के चलने के लिए जरूरी है कि विद्युत के स्रोत से लेकर वापस स्रोत तक ये रास्ता बंद हो। इस बंद रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहते हैं। ये चित्र एक परिपथ को दर्शाता है जिसमें बैटरी का पॉजिटिव सिरा तारों के माध्यम से एक बटन से होता हुआ बल्ब के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और बैटरी का नेगेटिव सिरा बल्ब के नेगेटिव सिरे से। परिपथ तो समझ आया, मगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह सर्किट में विद्युत धारा की दिशा बताते हैं। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से विद्युत धारा गमन करना शुरू करती है और नेगेटिव सिरे तक आती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विद्युत धारा की उल्टी दिशा में गमन करती है। लेकिन हमने यह भी जाना कि आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं और विद्युत धारा आवेश पर निर्भर करती है। फिर विद्युत धारा उल्टी दिशा में क्यों गमन करती है? उसे भी इलेक्ट्रॉन्स की ही दिशा में गमन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण धातु के तारों में एक धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। हम यदि आवेश की दिशा देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा से उल्टी नजर आएगी। तो विद्युत धारा की दिशा इस धनात्मक आवेश की दिशा की तरफ ली जाती है, जो कि और कोई कारण से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के गमन करने की वजह से ही बनते हैं। जिस प्रकार स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापने के लिए उपयोग होता है, उसी प्रकार किसी भी सर्किट में विद्युत धारा मापने के लिए एमिटर नाम के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसी प्रकार का सर्किट हमारे घरों में भी होता, लेकिन यह पॉजिटिव और नेगेटिव तार किसी बैटरी से ना जुड़ के बल्कि घर में आ रही पावर सप्लाई से जुड़े होते हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और नजदीक से जानेंगे।